हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष कुमार काखानी, लेक्चरर कंप्यूटर जीपीसी बागीदोरा। इस वीडियो लेक्चर में हम CS201 में सी प्रोग्राम का एक प्रैक्टिकल करेंगे। ये प्रैक्टिकल इफ एल्स स्टेटमेंट पे बेस्ड होगा, जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कमेंट लिखेंगे, उस कमेंट में इस प्रोग्राम का टाइटल मेंशन करेंगे। उसके लिए हम डबल स्लैश लिखेंगे, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम की हेडर फाइल मेंशन करेंगे। तो हमने अपने प्रोग्राम में stdio हेडर फाइल इंक्लूड की है। stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है, जिसपे .h एक्सटेंशन होता है। उसको हम एंगुलर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जो फाइल को इंक्लूड करता है। इस हेडर फाइल के अंदर printf और scanf फंक्शंस होते हैं। दूसरी हेडर फाइल जो हमने इंक्लूड की है वो conio.h। इस हेडर फाइल का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। इसमें गेट CH और क्लियर स्क्रीन होती है फंक्शंस। उसके बाद हम मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। हमने मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप void लिया है, क्योंकि हम इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। अगर हमें कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवानी है तो हम इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर रखेंगे। मेन फंक्शन किसी भी सी प्रोग्राम या सी प्रोग्राम का एक कंपल्सरी फंक्शन होता है। तो इस प्रोग्राम में हम इफ एल्स का यूज कर रहे हैं। बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट जो है कंडीशनल स्टेटमेंट है, जो किसी कंडीशन को चेक करता है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो हम इस प्रोग्राम में दो नंबर का में ये पता करेंगे विच वन इज ग्रेटर। दो नंबर में ग्रेटर नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने दो नंबर ले लिए, ए और बी, इंटीजर वेरिएबल्स। ए में हमने स्टोर करवा दिया है 5 और बी में हमने स्टोर करवा दिया है 3। सेमीकोलन हम यूज करेंगे स्टेटमेंट के बाद। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, अगर ये यूज नहीं करेंगे तो सिंटेक्स एरर आने का चांस रहेगा। तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर होगा तो हम लिखेंगे printf a is greater else printf b is greater। तो अगर इस a b से बड़ा होता है तो हमारा इफ स्टेटमेंट में printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर a b से छोटा होता है तो हमारा else स्टेटमेंट का printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसमें हमने दोनों की वैल्यू पहले से ही डिफाइन कर दी है, a की 5 और b की 3। तो ऑब्वियस है कि a ग्रेटर देन b है, तो printf स्टेटमेंट जो है वो इफ पार्ट का एग्जीक्यूट होगा। अगर हम यूजर से इनपुट करवाते हैं वैल्यूज, तो उस केस में डिपेंड करेगा कि यूजर क्या वैल्यू इनपुट करता है, उसी से हमारा आउटपुट डिसाइड होगा। अब हम गेट सी एच यूज करेंगे। गेट सी एच फंक्शन कंसोल हेडर फाइल का फंक्शन है। ये हमारी स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा और हम इसके बाद हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करने से ये पूरा ब्लॉक क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद हमको प्रोग्राम को कंपाइल करना है, तो इसके लिए हम एक कीबोर्ड शॉर्टकट की है Alt F7, Alt F9 वो प्रेस करेंगे। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करना है, Ctrl F9 करेंगे तो A इज ग्रेटर इज द आउटपुट। सो बेसिकली
ये हमारा आउटपुट है, ए इज ग्रेटर। तो ये आउटपुट शो कर रहा है कि इफ स्टेटमेंट का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। सो दिस इज हाउ द इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क्स। जब भी हमें किसी कंडीशन को चेक करना है तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे प्रोग्राम में। थैंक यू।